हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी थोड़ी देर पहले 6:15 बजे करीब से उठ हुआ था, तो बस आए हैं, रेडी हो चुका है। थोड़ा चलते हैं आज सुबह सुबह बैडमिंटन चलते हैं, खेल लेते हैं। तो 2-3 दिन जो भी जा सकते हैं सुबह सुबह जाते हैं, खेल लेते हैं। और पहली बार आए हैं गाइस चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वालीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर, मिलते हैं। उसके बाद उधर से आते समय देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेते आएंगे। 7:15 बजे पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह खेल के मज़ा आ गया, बट थोड़ा नाइट शिफ्ट करके आओ ना, थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो इडली पार्सल करवा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइस, खाली रूम के अंदर आ चुके हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं। जैसे कि आपने देखा, मैं इडली लेकर आ गया, तो अब इडली खाएंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। सो गाइस, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। और 9:30 हो चुके हैं। इसमें बैडमिंटन खेल के मैं लेते आया था इडली। इडली है अपना, साथ में ये सलाद है, और ये उसके साथ जो मिलता है सांभर, एंड ये चटनी है। साथ ही साथ गैस मैंने ये चाय भी बना लिया है, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। करते हैं अपना इडली एज ए ब्रेकफास्ट, बाकी थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। बाकी निकलने का टाइम है तो देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकलेंगे। तो गैस अभी शाम के बज चुके हैं 4:50, और मैं दोपहर में थोड़ा सो गया था, दो ढाई घंटे के करीब सो गया। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 4 बजे उठा था, स्नान वगैरह कर लिया है। तो लंच तो बनाया नहीं, कुछ हल्का फुल्का चलते हैं बाहर खा लेंगे, और मिलते हैं बाहर। फाइनली गाइस बाहर आ चुके हैं, थोड़ा रुक गया था ज़्यादा, मैं रूम में ही रुक गया था थोड़ा देर। और तो अभी 5:20 हो चुका है, और अभी क्या खाया जाए, हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं स्नैक्स आइटम। लंच वगैरह करने का तो टाइम नहीं है अभी, बाकी आज शाम को निकलेंगे थोड़ा लेट, क्योंकि जो गणेश पूजा वाला है ना, वो तो सजा हुआ है, तो उसको देखने के लिए वो लिट्टी ले लिए हैं एज अ स्नैक्स। सो रूटीन ख़राब होता है तो ऐसे ही होता है, कि थोड़ा लिट्टी खा लिया अभी सही है, लिट्टी खा के थोड़ा सा सही लग रहा है। ये रात में काफ़ी अच्छा लगेगा, आएंगे देखने के लिए। आज काफ़ी दूर तक सजाया गया है ये। गाइज कल वाला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा, तो लास्ट मोमेंट पे मेरा प्लान कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं, कल नहीं जा पाए थे कूलिंग पॉइंट, आज जा रहे हैं। मौसम तो ठीक ही लग रहा है, हल्का हल्का अभी अंधेरा हुआ है, मतलब सनसेट होने वाला है, होपफुली टाइम से पहुंच जाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं कोलिंग पॉइंट पे। और हाँ, आज मैंने बाइक नहीं लिया है, ऐसे ही निकल गया, रूम से निकला तो चलते चल आया यहाँ तक, थोड़ी दूर पे है। सो बस्ती के बीच से होते हुए जा रहे हैं, ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, जो कल मैं जा रहा था वो थोड़ा लॉन्ग कट था, मतलब काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ना कोलिंग पॉइंट। तो बाइक वगैरह उधर से जा सकता था, इधर से बाइक नहीं आया, इधर तो बाइक नहीं आ पाएगा, सिर्फ पैदल आ सकते हैं। तो ये चढ़ान चढ़ना पड़ेगा, ये तो बाइक से नहीं जाएगा ना। तो ये ख़त्म, ये रोड आ गया, और जस्ट इसके बगल में ये है पॉन्ड, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये कूलिंग पॉन्ड। और ये बस्ती से क्रॉस होते हुए आए हैं, ये नीचे आइए, इधर से ही आए हैं, इधर से तो बाइक नहीं आ सकता था। बाकी ये रोड बना है, जो मैं कल लास्ट में गया था ना नाइट में, कल वो उधर से आ रहा था पीछे एकदम कोने में, तो उधर से बाइक आ सकता था, इधर से नहीं आ पाएगा। तो देखने के लिए यही आ गए। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 बार आ चुका हूँ, ये शायद 4थी बार है। तो मैं कहीं और नहीं निकल पाता तो यहीं आ जाता हूँ कूलिंग पॉइंट। अभी फ़िलहाल सनसेट उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, बट थोड़ा जब गर्मी का मौसम रहता और शाम, मतलब उस समय सन सेट होता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। फिलहाल आज तो यही देखने को मिलेगा, और थोड़ा दूर तक चलते हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ है, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। काफ़ी मस्त लगता है, वैसे तो ये पॉन्ड है बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तो गाइज अगर अभी तक आपको थोड़ा बहुत ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए।
बाकी आगे चलते हैं थोड़ा दूर तक, देखते हैं बाकी यहाँ पे। सो गाइस चलते चलते थोड़ा दूर आ चुके हैं और इधर पूरा एकदम घना जंगल टाइप का हो गया है, झाड़ियाँ वगैरह है ना बहुत ज़्यादा। इधर पूरा नीचे खाई ही है और ये पूरा एकदम नो मैन लैंड हो गया है, यहाँ पे कोई आदमी दिख ही नहीं रहा। फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो आज की अपनी यही फाइनल डेस्टिनेशन थी। तो गाइस ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है और अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा होने के बाद यहाँ पे कुछ दिखने वाला है नहीं, जैसे कि कल प्लान कैंसिल करना पड़ा था उसी वजह से, बस यही देखना था अपने को, देख लिए। और ये पानी पूरा अंदर तक जाता है। तो गाइस फिलहाल यहाँ से अब चलते हैं, काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करके आया मैं इधर का पूरा, और जो मैं कल बता रहा हूँ और जो मैं कल बाइक से आया था वाला रास्ता है, बाइक वाला है, मंदिर आपने कल देखा था ना, ये वही मंदिर है, शिव मंदिर। तो इधर से बाइक से आ सकते हैं, पर ये है अपना सिटी, फिलहाल सिटी से थोड़ा अंदर में है, एक तरह से बांध पे खड़े हैं, एक तरफ मतलब लोग रहते हैं सिटी है, दूसरी तरफ सिर्फ पानी और पानी है, तो बांध पर चल रहे थे अभी तक। पूजा वगैरह भी होता है यहाँ पे, पूजा वगैरह के लिए बनाया सिटी में वाले, मेन तो यही है कूलिंग पॉइंट का, यहीं से फ्लो वगैरह होता है, अंडरग्राउंड होते हुए चला जाता है मेन, जहाँ से अभी फ्लो होना है वहीं पर चला जाता है। फाइनली कूलिंग पॉइंट्स आ चुके हैं नीचे, अब मंदिर से दर्शन करते हुए निकलेंगे आगे। तो कल थोड़ा मैं नहीं कर पाया था, काफ़ी अंधेरा था, आज कर लेते हैं, आज अच्छा दिन है, मंगलवार है। तो प्राचीन शिव मंदिर, मंदिर में दर्शन कर लिए, आप वापस चलते हैं रूम की तरफ, तो पीछे वाले मंदिर में, तो मंदिर में दर्शन करके हम निकल रहे हैं रोड पे, रोड से देखते हैं लिफ्ट ले लेंगे या फिर ऑटो वगैरह ले लेंगे, काफ़ी दूर आ चुके हैं ना, और फिर मिलते हैं आपसे। तो अब अभी तक कुछ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। सो गाइस वापस आ चुके हैं, यहीं से चढ़े थे कूलिंग पॉइंट के लिए और वापस आ चुके हैं, बीच में थोड़ा ई रिक्शा लेना पड़ा, काफ़ी दूर था ना इसलिए ले लिया। तो ये इलायची मोड़ पे मजदूर मैदान है, यहाँ पे गणेश पूजा के लिए तैयारियाँ चल रही है, कंप्लीट ही हो गया है, झूला वगैरह आया है इस बार, काफ़ी अच्छा होने वाला है इस बार, झूला वूला आ गया है, खाने पीने का आइटम भी आ गया, पंडाल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। गाइस हो सकता है जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो गणेश पूजा वाला ब्लॉग पहले आ चुका हो, इसलिए आप इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, देख लीजिएगा गणेश पूजा वाला ब्लॉग, गणेश पूजा वाला ब्लॉग पे जो पेड़ है साइड साइड में वो भी काफ़ी कूल लग रहा है, पूरा सजा दिया गया एकदम। फाइनली गाइस रूम के अंदर आ चुके हैं, अभी 7:10 हो रहा है, थोड़ा चलते हैं कुछ डिनर बना लेंगे। बाकी गाइस इस ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।